सी बेसिकली मैं रेडी नहीं था 51 के बाद. मैं चाहता था कि मैं थोड़ा 5-6 महीने का गैप लूँ और थोड़ी अपनी लाइफ जीऊँ, अपनी जवानी एक्सप्लोर करूँ. तो मैं ज़्यादा जल्दी रेडी नहीं था. और फिर मैं एक जगह ऐसे थे कैंपिंग कर रहा था कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, तो मुझे प्रोडक्शन से कॉल आ रहा था कि फिर फ़ोन आया. तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे अभी शो नहीं करना, डेली शो नहीं करना. तो फिर डिसाइड की बहुत अच्छा शो है. मैंने कहा राइटर कौन होते हैं? डिसाइड की धीरे सर. तो मैंने कहा ओके. तो मैंने थोड़ा गूगल किया, पढ़ा उनके बारे में. तो मैंने कहा शो अच्छा है. फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने कहा माइक है. मैंने कहा वो सुपर कॉन्सेप्ट. मैं यहाँ पर आया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया. सो बेसिकली दुर्गा के बाद तो आई नीड, मुझे गैप चाहिए था जो मुझे मुझे गैप चाहिए था जो मुझे मिला भी. एंड जब ये शो ऑफर हुआ, जब मैंने आई थिंक पहले दिन पर ही बैठकर कहानी वानी सुन ली थी या मैं धीरे से मिली भी थी, एंड मुझे कॉन्सेप्ट बहुत 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 अच्छा लगा था. एंड प्रोसीजर ही था, हमने लुक टेस्ट हुआ एंड नमिश के साथ मॉक शूट हुआ एंड हैपेंड. यार मैंने जब सृष्टि को पहली बार देखा था तो मुझे इसके फेस पे एक ही एक चाहत दिखी थी. एक दिखा था कि एक लड़की है जो हार्ड वर्किंग है, बड़ी सॉफ्ट है और थोड़ी किडिश है, तो वो एक प्लस पॉइंट है. हाँ, तो मेरा परसेप्शन यही था फर्स्ट, कि हाँ एक लड़की बहुत प्यारी. मतलब मुझे जो चाहिए था कि यार एज अ हीरो हमेशा मैं चाहूँगा कि मेरे जैसे सब लोग यही चाहते हैं कि जो अपोजिट में लड़की हो वो अच्छी हो. तो हमें सब मिल गया, लुक मिल गई, हार्ड वर्किंग मिल गई, और क्या चाहिए लाइफ में. थोड़ा बहुत चेंज हो गया कि ये ज़्यादा अच्छी हैं. नमिश से मैं पहली बार आई थिंक मॉक शूट के दिन ही मिली थी. एंड हम लोग को रिहर्सल के लिए भी सिर्फ एक रूम में हम बैठे. एंड नमिश बहुत ही एक चीज़ है इनके बारे में जो सबसे पहले निकल के आई थी, वो बहुत पैशनेट है. तो जैसे ही मैं बैठी, इन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. एंड मैं एक्साइटेड ये देखकर हो गई थी कि ये भी उतनी ही पैशनेट है जितनी शायद मैं हूँ अपने काम को लेकर. एंड नमिश ने आई थिंक स्माइल वाइल भी, ही वॉज एक्सप्रेशनलेस द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. धीरे धीरे पता चला ही बहुत बदमाश है और बहुत अच्छे हैं, एंड इनके साथ काम कर कर मज़ा आ रहा है. सी मेरी तैयारी सृष्टि से हमेशा यही थी. इनिशियली जो मैं हंसा नहीं, उसका रीज़न था बिकॉज मैं एक अपने थॉट में था कि जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं थोड़ा सा हटके रहूँगा. मैंने लास्ट शो में 51 में भी ऐसा थोड़ा सा हटके रहा था, पर बाद में फिर से बिगड़ गया था बिकॉज मैं सबके जैसा. तो मेरा यही था कि मैं सृष्टि से जितना हो सके कम बात करूँगा, क्योंकि जब मैंने सृष्टि से फर्स्ट टाइम बात करी तो उसने एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी, और वो ऐसे था कि लाइक, तो वो बहुत प्यारी सी स्माइल थी. और मैं चाहता था कि जो मैंने कैरेक्टर सुना था सृष्टि जया का, मैं चाहता था कि ये चीज़ें मिसिंग ना हो जाए फ्रैंक होने के चक्कर में. तो हाँ, हम लोगों ने थोड़ी कम बातें करी इनिशियली, तो मैं इनसे थोड़ा सा कट के रहा था, अभी भी रहता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ एक बार वो हो जाए ना. और जैसी हमारी जब केमिस्ट्री बिल्डअप होगी, हमारे 15-20 एपिसोड हो जाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, बात करते हैं, तो मैं शायद जितनी बातें करना चाहता हूँ मैं और ज़्यादा बातें करूँ. वही हमने ये म्यूचुअली डिस्कस किया था. एंड आई थिंक वो आपको दिखेगा अभी. इनफैक्ट जो हमने पहले दिन शूट किया है वो आई थिंक मेरे लिए आई थिंक अभी तक का मैंने सबसे इन्वॉल्व्ड और सबसे अच्छा सीन था. एंड वो निखर के इसलिए आया शायद क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी. हम कंफर्टेबल भी नहीं थे एक दूसरे से, तो वो शर्म और वो आई थिंक लव एट फर्स्ट साइड, वो सारी चीज़ें नेचुरली आई हैं. सो या दुर्गा तो दबंग थी बिल्कुल, और दुर्गा से कोई पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता था. जया थोड़ी सी, जया भी वैसी ही है बट जया थोड़ी सी और सॉफ्ट और स्वीट है. आपको वेजिटेबल बेस पे बोलना हो कि क्या डिफरेंस है, कि वो आलू थी और अभी फंसा दिया भिंडी. हाँ भिंडी, ठीक है. बट जया बहुत, जैसे वहाँ पे जया बाबा से बहुत क्लोज थी, फादर डॉ. यहाँ पे जया बोल रही हूँ, वहाँ दुर्गा बाबा से बहुत क्लोज है, यहाँ पे जया अपनी मम्मा से बहुत क्लोज है. एंड मैं इससे ज़्यादा रिलेट करती हूँ बिकॉज मैं और मेरी मम्मा वे बेस्ट फ्रेंड्स,
तो मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना बिल्कुल एफर्ट ही नहीं लगता, बिकॉज वैसे ही लगता है जैसे घर में जो होता है वो यहीं पे हो रहा है। तो बहुत इजी है इनके लिए, मैं कह रहा हूँ पौड़े कम कर लो। सत्या से समर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सत्या जो था वो सबकी वाट लगाने वालों में से था, उसका एक अलग ही स्टाइल था। तो और समर बिल्कुल अपोजिट है, बहुत प्यार से बात करता है सबसे। सत्या भी करता था प्यार से बात, बट उसका तरीका अलग था। हाँ हाँ करता हूँ तुझसे प्यार, और ये ऐसे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अलग है सत्या और इसमें। अगर आपको मन करे तो आप उठा के एपिसोड देख सकती हैं ओनली ऑन हॉटस्टार। छोटा क्यों बड़ा करूँ ना। मैं कॉल टाइम ज़्यादा करूँ, माय कॉल टाइम इज 8:30 इज 9, तो इसीलिए तो 8:30 पहले पहुँच जाती है। कौन मैं थोड़ी ना बोल सकता वैसे। ये सृष्टि लेट पहुँचती है हमेशा। मैं कुछ बोल ही रही थी। मैं तो आई एम ऑन चिप्स खाती है, ये लड़की चिप्स खाती है, अदरक जैसी हो गई है। नहीं बहुत ब्यूटीफुल है। आप दोनों में से सबसे ज्यादा लाइंस किसको याद? दोनों को। दोनों को। कौन है जो सबसे ज्यादा सोता है जैसे ही शूट से अगर ब्रेक मिल गया 10 मिनट का नहीं तो सो गया? कैन आई स्लीप? नमीश ओके ओके ठीक है। ओके कौन है जिसको आदत है एकदम रॉन्ग मोमेंट से सीधे सिचुएशन पे हंसने की? या देखो ना और क्या चाहिए अभी। मैं अवार्ड भी दे दिया अभी तो। रेडी लड़की और लड़के में टाइम लगता है, बट मैं लड़का हूँ बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता हूँ। हाँ कह सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, वैसे दोनों के ही होते होंगे। बट लाइक है सर हम लोग ज़्यादा बात अभी कर नहीं रहे हैं पर्सनली एक दूसरे से, तो आई डोंट थिंक हम बता भी पाएंगे। ओके ठीक है, तो लास्टली नेक्स्ट टाइम वो कम लोग देखे एक ऐसी चीज सृष्टि के बारे में जब तक उनके फैंस नहीं जानते कुछ अगर बता सके, एंड आप अगर नमिश के बारे में कुछ बता सके फैंस एंड व्यूअर्स के लिए। नमिश जवाब से स्टार्ट। हाँ सृष्टि के बारे में, सी सृष्टि जो आप सबके सामने प्रटेंड करती है वो वैसे बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल समझदार नहीं है। वो किडिश सी है, स्पॉइल बच्ची है, अपनी माँ की लाडली है। यहाँ पर तो ऐसे प्रटेंड करती कि यस यस हाँ वो बहुत अच्छा है, बट शी इज़ नॉट दिस। वो बहुत बहुत मस्ती खो रहा है, आई थिंक उसका बस चले तो इसमें इतने टेंट्रम्स आ जाएंगे ना, बट हाँ वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तो हाँ शी इज़ वेरी वेरी क्यूट गर्ल। यू वांट मी टू रिवील अ सीक्रेट बट नमिश तुमने मेरे लिए टेंट्रम्स बोला। टेंट्रम्स पॉजिटिव टेंट्रम्स कि पानी नहीं है चाय नहीं है ऐसा वाला। नमिश बहुत बहुत मेरा मतलब बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश है मतलब आई डोंट नो फैंस को पता है कि नहीं, बट ये सबसे ज़्यादा सो नमिश ऐसे जब सेट पे आएगा ना तो बहुत अपने जोन में सीरियस ऐसे रहेगा, एंड सडनली ना कुछ एक कहीं से आवाज़ आएगी तो भी सम जोक एंड एवरीबडी बी लाफिंग बिकॉज इसने एकदम से, और इसकी स्माइल बहुत इट लाइट्स अप द रूम व्हेन ही स्माइल्स। वो ज़्यादा स्माइल करते नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ये कि आई थिंक आपके घर में जो आप एक्सपीरियंस करते हो बेसिकली जैसे धीरे सर ने पहले भी कहते थे स्लाइस ऑफ लाइफ, तो जैसा भी आप प्रॉब्ली हर कोई रिलेट कर पाएगा मुझसे भी एज जया, समर से, मेरी मम्मा से, समर की मम्मा से, अदिति जी से, यू विल बी एबल टू रिलेट विद एवरी कैरेक्टर ऑन द शो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार चिल मारो, ऐश करो, शो आ रहा है नया, मैं माइके चले जाऊँगी, देखो खाओ पियो ऐश करो, चार दिन आधी दुनिया कुछ खा ले पी ले ऐश करा, सो मजे करो यार, एक शो आ रहा है देखो, अच्छा लगे देखो, नहीं अच्छा लगे मत देखो कोई बात नहीं। नहीं नहीं है, नहीं अच्छा लगे तो जबरदस्ती फोर्स होना करेंगे, अच्छा लगे देखो आपको मजा आए तो देखो, नहीं तो मत देखो कोई बात नहीं। ठीक है अच्छा जस्ट किडिंग ब्रो। सो हमारा शो आ रहा है 11 सितंबर मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सोनी टीवी 8:30 बजे, और मेरा बर्थडे भी है, मेरा बर्थडे भी है। थैंक यू सो मच। अरे देखना मैं मजाक कर रहा था, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी देखना, एक काम करना टीवी ऑन करके चले जाना।